सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, इस समय हम श्री सुरेंद्र पाल चट्ठा जी के फार्म पे हैं और ये फार्म जो है ये करनाल के आसपास गांव उचाना में है और इनको खेती का बहुत शौक है। वैसे तो इनकी जमीन गांव में भी है, वहाँ पर उन्होंने बहुत किस्में लगाई हुई हैं, उसके बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। मगर फिलहाल ये जो खेत आप देख रहे हैं, इसमें हमने किसानों के द्वारा निकाली गई किस्म किसान 888 को लगाया है। ये किस्म पंजाब से हमने ट्रायल मोड में शुरू की थी सिलेक्शन करते हुए। ये फिरोजपुर में भी ट्रायल में रही, फिर ये बठिंडा में रही और 2 साल पहले हमने इसको रिलीज कर दिया था। और बुंदेलखंड में पिछले साल जहां हमने बीज भेजा, वहां के किसानों ने हमको बताया कि 1 एकड़ में किसान 888 ने अधिकतम पैदावारी 32 क्विंटल 1 एकड़ में दी है। ये हमारा सीड प्रोडक्शन प्लॉट है, आप इसको देख सकते हैं कि ये जो किस्म है इसका बीज हमने चट्टा साहब के फार्म पे लगाया था 22 अक्टूबर 2020 को और आज 22 दिसंबर 2020 हो गई है। इसकी सीड ड्रिल से बुआई की गई थी और हैप्पी सीडर से, और देख सकते हैं नीचे कुछ कुछ अभी भी फसल अवशेष जो है पूसा बासमती 1509 के खड़े हैं। तो आइए हम चट्टा साहब से बात करते हैं। चट्टा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पूछना चाहेंगे कि ये क्योंकि बहुत जल्दी लग गई थी 22 अक्टूबर को, अक्सर सिफारिश में है 4 नवंबर या उसके आगे 12 नवंबर तक लगाएं, अगेती किस्में हैं, तो ये क्योंकि हटके किस्म है ना, तो ये 2966 है ना 3226 है, अगेती किस्में जो हैं ना DBW 187 है ना 202 है, ये आपको फुटाव में कैसी लग रही है? इसमें जैसे हम पुरानी खेती बहुत सालों से करते आ रहे हैं उसके हिसाब से हमने ये देखा था, अभी मौसम जो है इसमें टेम्परेचर डाउन आ गया था, तो उसकी वजह से हमने अपना इसमें मन बना के अपना 22 अक्टूबर को इसकी सोइंग की थी। ओके, हमारे हिसाब से इसकी जो फुटाव है वो बहुत अच्छा है जी, और देखने से ये बहुत बढ़िया गेहूं लग रही है जी जी जी। और हम ये मानते हैं भी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है भी ये बहुत अच्छी एवरेज आती है इसकी जी, हमारे खेत पे भी ऐसे हमें अनुमान है कि ये हम भी 27-28 क्विंटल तक जरूर जाएंगे। वेरी गुड। अगर इसका अपना किसान भाइयों को बीज की जरूरत हुई तो डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करें जी जी, थैंक यू। ओके साथियों, चट्टा जी ने बहुत ही निष्पक्ष अपना तर्क रखा है, ये बहुत बेबाक बोलते हैं, जहां पर कहीं गलती होती है खेती में तो ये चूकते नहीं हैं, चाहे बीज में हो चाहे खाद में हो चाहे पेस्टिसाइड में हो। तो एक्सटेम्पोर उनसे अचानक मैंने बुलवाया है ताकि पता लगे। फिलहाल उनका ये मानना है कि खेत में खड़ी हुई फसल बहुत अच्छी लग रही है और मैंने अभी काउंट किया है एवरेज 7-8 टिलर जो हैं वो हरेक पौधे के निकले हुए हैं और पौधे की हाइट भी बहुत अच्छी है। इसको 3-4 साल पहले तो हम पंजाब में पढ़ते आए, फिर हमने हरियाणा में ट्रायल किया और 2 साल से हमने किसानों को देना शुरू कर दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं, भगवान जी से हमारी आराधना है कि इनके यहाँ अच्छी पैदावारी हो और श्रेष्ठ बीज बने। आप चारों तरफ देख सकते हैं इसकी बाउंड्री है खेत की, ये क्वारंटाइंड खेत है, ये बहुत रेयर बीज बनाने वाले होते हैं जो ऐसे प्लॉट्स को चुनते हैं कि दूसरी कोई भी किस्म मिल ना जाए। तो ये हमें बहुत ही इनका सहयोग मिला है, हम अपनी ओर से इनका आभार भी प्रकट करते हैं। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, नमस्कार।